السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Muhammad Idris, Physics Lecturer, Osama Cadet College, Dudihal. Welcome to Class 9 Physics, Virtual Class of Osama Cadet College, Dudihal. So, dear students, we discuss our today topic, that is significant figures. So, what are the significant figures? Now we discuss it. Significant figure, its definition, that is the accurately known digit and first doubtful digit is called a significant figure. Accurately known digit and first doubtful digits is called a significant figure. अब जैसे कि मैंने डेफिनेशन डिस्क्राइब की है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, ये तो बात क्लियर होती है कि जो पूरी तरह से श्योर हो, बट फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इससे क्या मुराद है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है विच इज एक्सप्रेस बाई नंबर That is followed by some suitable units. यानी कोई भी जो physical quantity को हम measure करते हैं तो definitely वो क्या होती है, number से express होती है और फिर क्या होता है उसके साथ suitable unit का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। For example, आपने length measure करनी है, आप कहते हैं इस book की length क्या है, 18 सेंटीमीटर है। तो आप देखें इस physical quantity, जो length है ये एक physical quantity है, इसको हम किस से represent करें, number से और किसी करें सूटेबल यूनिट से। जैसे मैंने 18 का, दैट इज अ नंबर, सेंटीमीटर इट इज अ सूटेबल यूनिट। सो वी एक्सप्रेस दिस फिजिकल क्वांटिटी बाय यूज ऑफ नंबर्स एंड सम सूटेबल यूनिट। इसी तरीके से टाइम है, तो आप कहते हैं 10.5 सेकंड। तो अब इसमें आप देख लें कि 10.5, ये अब आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आपने कोई टास्क किया है तो 10.5 सेकंड का है, तो इसमें आप देखें 10 जो है ये एक्यूरेटली श्योर शॉट है और पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद आपने क्या कहा है, 5 सेकंड 0.5 सेकंड, इन 10.5 सेकंड, तो 10 इसमें क्या है, श्योर शॉट है, ये एक्यूरेटली डिजिट हो गया। और डेसिमल पॉइंट के बाद आपने कहा 5, ये 5 जो है वो डाउटफुल है। तो सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज accurately known digit and first doubtful digit is called a significant figure. यानी आपने कहा था कि ये जो हमने टास्क किया है वो क्या है, 10.25 सेकंड में किया है। अब स्टूडेंट्स इसमें मजीद देखें, 10 श्योर शॉट है, 2 क्या है, डाउटफुल है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 क्या है, डाउटफुल है, और 5 क्या, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्यों, आपके पास जो नॉर्मल वॉच है जिससे आप टाइम मेजर कर रहे हैं वो क्या है, उसका जो लीस्ट काउंट है 1/10 ऑफ ए सेकेंड है। ये बात तो समझ आती है कि 10 के बाद डेसिमल पॉइंट, फिर आपने 2 और 5 का, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद है, ये डाउटफुल है, लेकिन उसके बाद आगे 5 का जो डिजिट है वो क्या है, डाउटफुल भी नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर ही नहीं होता। लेकिन हम ये कर सकते हैं अगर हम उससे बेथेस्ट वॉच ले आए इसका लीस्ट काउंट कैसे ज्यादा बेहतर हो, हम फिर कह सकते हैं 10.25 इसमें सारे डिजिट्स के सिग्निफिकेंट हैं। तो जैसे कि डी स्टूडेंट मैंने आपको एग्जांपल दी, पहले कहा 10.5, फिर मैंने कहा 10.25, फिर मैंने कहा कुछ चलें एक और रीडिंग लेने 10.257। अब एक स्टूडेंट के लिए, एक पर्सन के लिए, एक नॉर्मल वॉच के साथ जब वो आप कहेगा ये टास्क मैंने 10.257 का सेकेंड में किया है, इट्स मीन दैट 10 इज श्योर शॉट, That is accurately known digit, and two, it is doubtful. कि उसके पास normal watch है, 1/10 of a second उसका least count है, वो आसानी से measure कर सकता है, maybe it is doubtful हो सकता है, two सही है नहीं है, that is doubtful. But अगर आप 7 और 5 कह देते हैं, तो ये क्या है? ये significant figure में नहीं है। ये उसकी जो measurement है, इस normal watch के साथ क्या, वो reliable नहीं है। तो यही आपके पास क्या है? Significant figure कहलाता है, कि accurately known digit and first doubtful digit. That is called a significant figure. तो डी स्टूडेंट्स जैसा आपको बताया कि कोई जो क्वान्टिटी हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वान्टिटी, उसमें नंबर और सूटेबल यूनिट क्या होती है, लाजमी इस्तेमाल होती है। जैसे कोई भी जो मेजरमेंट है या क्वान्टिटी है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं मेजर करने के लिए, तो कहते हैं वो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। कहते हैं जो एक्यूरेसी है
जैसे मैंने कहा था एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब देखें इसमें यूश्योर शॉट है तो उसकी एक्यूरेसी है और इसमें आगे डाउटफुल की बात भी हो गई है। तो कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि मेजरमेंट में क्या हो जाए, एक्यूरेसी आ जाए। तो कहते हैं जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट लेते हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो इन फैक्टर्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। नंबर वन क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी आप जो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी मेजर करें किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उससे जो मेजरमेंट ले रहे हैं क्या वो जो मेजरमेंट है वो रिलायबल है, यानी किस हद तक ठीक ले रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट कितना है। सेकंड थिंग जो है वो क्या स्किल्स ऑब्जर्वर है, यानी ऑब्जर्वर की क्या स्किल है। आया मे बी एक हम अनएजुकेटेड बंदे को पकड़ा दें जिसे वर्नियर कैलिपर यूज करने ही ना पता हो, उसे वर्नियर कैलिपर का नाम ही ना आता हो तो उस स्किल तो ना हुई। या नया स्टूडेंट आता है क्लास नाइन्थ में, उसने सिर्फ वर्नियर कैलिपर के बारे में सुना है, टॉपिक अंडरस्टैंड किए, लेकिन उसने प्रैक्टिकली वर्नियर कैलिपर नहीं देखा या उसने मेजरमेंट उसे नहीं की, सिर्फ जस्ट टीचर से टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और उससे मेजरमेंट ली जाती है, प्रिसाइज मेजरमेंट करता है एज कम्पेयर टू रूलर के मुकाबले में, क्योंकि रूलर में आपके पास उसका लीस्ट काउंट मिनिमम जो था 1 मिलीमीटर था या 1/10 मिलीमीटर, लेकिन उस स्टूडेंट ने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया लेकिन उसे टेक्निक नहीं पता, ठीक है, यानी उसे स्किल नहीं है। एंड देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, यानी कितने ऑब्जर्वेशन उसने किए हैं, हो सकता है उसने एक ही करके कह दिया कि उसकी इतनी लेंथ है, मे बी वो दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा पाँचवा ऑब्जर्वेशन करता, फिर हम क्या लेते उसकी एवरेज ले लेते तो उससे क्या होता था, एरर कम हो जाता है। तो दूसरे ये तीन फैक्टर्स हैं, यानी किसी भी फिजिकल मेजरमेंट को एक्यूरेसी पता करने के लिए कि आया शोर शॉट है कि इतना आपने जिस मेजरमेंट की है वो ठीक की है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें आया वो ठीक है या नहीं है, उसमें एरर मौजूद है नहीं है, एरर है तो हाउ वी विल फाइंड इट, कैलकुलेट कैसे करना है, उसकी करेक्शन कैसे करनी है। लेरों की बात एक तो ये इस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर, और सेकंड स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि उसे स्किल्स होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करना है। एंड थर्ड वन दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, कितने ऑब्जर्वेशन मेड करता है। चले ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, सपोज यू आर माई स्टूडेंट्स एंड वी आर परफॉर्मिंग अ प्रैक्टिकल एंड टास्क इज दैट आई गिव यू अ वन बुक एंड आई सेड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस बुक। ओके, आई गिव द फिजिक्स बुक to one of my student of class 9 physics book. I said that this is a book and dear student, this is a ruler and you find out the length of this book. I give this book and ruler and I give this task to one student. I said, my dear students, find out the length of this book with the help of this ruler. Then first student, he told me that its length is 18 centimeter. अच्छा जी, मेजरिंग टेप से ये रूलर से उसने क्या किया, मेजर किया। अब इसमें देखें उसने मुझे ये बताया, फर्स्ट स्टूडेंट ने, इस फिजिक्स बुक की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, रूलर से मेजर करके मुझे बता दिया। अब इसको आप एनालिसिस करें, 18 सेंटीमीटर है, इसमें देखें जो लेफ्ट डिजिट है 1 वो आपके पास क्या है, श्योर शॉट है, क्लियर कट है, इसमें यानी कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो 8 है वो क्या है, डाउटफुल है, हो सकता है उसे कोई मिस्टेक होगी हो, उसे सही तरह समझ ना आई हो, लेकिन क्या है हम शक कर रहे हैं, डाउट का इजहार कर रहे हैं। इसमें क्या है, उसने मुझे बताई, एक जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने फिजिक्स की बुक ली, रूलर लिया और मुझे उसकी जो लेंथ बताई कि फिजिक्स बुक की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। ओके जी, तो मैंने कहा इट्स ओके, यानी 18 है तो लेफ्ट डिजिट ये हमें क्लियर कट पता है जी, ये एक्यूरेट है, लेकिन जो 8 है ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। ओके जी, आप जो ग्रुप में दूसरा स्टूडेंट है, फिर मैंने कहा कि अब आप इस बुक की क्या करें, मेजरमेंट लें, सेम बुक है, सेम रूलर है, तो दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसे लेंथ मेजर की, तो दूसरे स्टूडेंट उसने मुझे बताया सर इस बुक की लेंथ क्या है, 18.4
और सेंटीमीटर है। लीजिए अब इसमें देखें, इस मेजरमेंट को अगर लें, इसका एनालिसिस करें, कहते हैं 1 और 8 के हैं, यानी बिफोर डेसिमल पॉइंट 1 और 8 दैट आर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, जबकि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ये क्या है, डाउटफुल है, हो सकता है स्टूडेंट में भी नॉट श्योर। यानी 18 का तो उसे कंफर्म है, एक स्टूडेंट ने 18 डिजिट बताया कि 18 सेंटीमीटर है, हमने कहा 1 क्लियर है, 8 डाउटफुल है। दूसरे स्टूडेंट ने सेम बुक सेम रूल यूज किया, उसने बताया सर इसकी जो लेंथ है 18.4 सेंटीमीटर है। अब 18 क्लियर है जी, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 क्या है, ये क्या है, डाउटफुल है। तो नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट जो लास्ट स्टूडेंट है, वही सेम बुक का रूलर मैंने उससे दिया, मैंने कहा भाई आप ये टास्क करें, तो इसमें क्या है, उसने मुझे लेंथ बताई, तो उसने कहा जो थर्ड स्टूडेंट है उसने जो लेंथ मेजर करके मुझे दी, तो उसने कितनी बताई, देखिए मैंने सिलेक्ट किया 18.425 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स आप हैरान हो जाएंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट ने 18 सेंटीमीटर बताई, दूसरे स्टूडेंट ने 18.4 सेंटीमीटर बताई, और थर्ड स्टूडेंट मुझे क्या बता रहा है, 18.425 सेंटीमीटर बता रहा है, जबकि मुझे इसका लीस्ट काउंटेस रूलर का पता है। अब मुझे बखूबी अंदाजा है कि किसकी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, क्लियर होगी बात, सेकंड वाले की मेजरमेंट क्या है और थर्ड वाले की क्या है। अब फर्स्ट वाले को देखें, उसकी मेजरमेंट क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि जो रूलर है उससे हम मेजर कर सकते हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसकी 18 सेंटीमीटर है और उसने एक्यूरेटली मेजर किया है, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। अब आप देखें जो सेकंड है, उसमें उसने हमें जो मेजरमेंट बताई 18.4 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं कि 18 क्लियर है, उसके बाद क्या है, उसने आगे 4 लाइन गिन ली होंगी, यानी कि 1 मतलब 18 पर आके उसने मेजरमेंट की, उसके बाद आगे क्या है नेक्स्ट, उसने 1 2 3 4 लाइन हो सकते उसने मेजर कर ली, मे बी उसे श्योर ना हो, उसमें मिस्टेक हो, लेकिन 18 क्या है, दैट इज क्लियर एक्यूरेटली नोन डिजिट, और उसके बाद क्या है 4 क्या उसका डाउटफुल है, यानी फर्स्ट डाउटफुल डिजिट बन गया अकॉर्डिंग डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया था एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें देखें 18 इट इज एक्यूरेटली नॉन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या है, आपके पास 4 है, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसकी तकरीबन रेंज मार है, लेकिन हम श्योर नहीं है, दैट इज अ डाउटफुल, इट्स ओके। अब जो थर्ड स्टूडेंट का जो डिसीजन देखा, यानी उसने यानी मुझे अपनी मेजरमेंट से आगाह किया दैट इज 18.425 सेंटीमीटर, तो अब मैंने क्या किया, फौरन कह दिया कि इस मेजरमेंट में जो थर्ड स्टूडेंट ने मुझे बताई है 18 इज एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड 4 आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट इट इज अ डाउटफुल डिजिट, बट 2 एंड 5 दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर सिर्फ हम रूल को देख लें, ये सारे डिजिट्स क्या हैं इस मेजरमेंट में, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, यानी जो आगे इसके रूल आएंगे, ये राइट साइड पे आपके पास रूल हैं, तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स रूलर जो यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट हमें पता है, उसके लीस्ट काउंट को देख कर अगर चेक किया जाए, जो पहला स्टूडेंट है 18 सेंटीमीटर, उसकी जो मेजरमेंट है ज्यादा एक्यूरेट है, दूसरे की क्या है 18.4, तो इसमें 18 क्या है क्लियर है और 4 क्या है डाउटफुल है, कि मे बी इसने चले 18 सेंटीमीटर क्या है क्लियर है और आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 जो है वो क्या है डाउटफुल है, लिटिल बिट कंफ्यूज है, ओके एक्सेप्टेबल। बट जब थर्ड ने बताया सर इसकी जो लेंथ है 18.425 सेंटीमीटर है, तो इससे मुझे पता चल गया यहाँ एरर क्या है मौजूद है। अब इसमें देखें 18 क्या है, दैट इज क्लियर कट एक्यूरेटली नोन है, और 4 क्या है डाउटफुल है, भाई इसमें डाउट हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके बाद 2 और 5 जो है ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में भी नहीं है ना, ये डाउटफुल है और ये डाउटफुल भी है उसमें भी नहीं आता, बल्कि 2 और 5 में ये कहूंगा ये सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं है, यानी 18.4 तक एक्सेप्टेबल है कि 18 क्या है एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और डेसिमल पॉइंट के बाद 4 जो है वो डाउटफुल है, लेकिन 2 और 5 क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर में भी कंसिडर नहीं होगा,
डाउटफुल में कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमारे पास जो मेनिंग इंस्ट्रूमेंट जो रूलर है भाई, उसका जो लीज काउंट है ये उसकी रेंज से बाहर जा रहा है। हाउ वी कैन से दैट 2 and 5 आर सिग्निफिकेंट इन दिस नंबर? सो वैसे रूल को देखा जाए तो ये सारे डिजिट क्या सिग्निफिकेंट है, लेकिन रियलिटी को देखा जाए और मेरे इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को देखा जाए तो 2 और 5 क्या ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम इससे कोई बेस्ट मेरे इंस्ट्रूमेंट ले हैं, तो उस माम पर क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सारे जो सिग्निफिकेंट नंबर है ये सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सेम रूल से फिर आप नहीं बढ़ा सकते। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से है। यानी इसमें आप देख लें, बार बार जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया बताया, पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया कि दैट इज एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं तो कहते हैं उसमें जो एक्यूरेसी का जो आंसर है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे ये इधर एक फिर मैं बता देता हूँ कि वो आपके पास क्या है, क्वालिटी ऑफ मेनिंग इंस्ट्रूमेंट एक ये है, स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, यानी इन चीजों पर डिपेंड करता है। फिर हमने मिनिमम 3 ऑब्जर्वेशन लिए और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी, टास्क दे दिया, प्रोजेक्ट यानी मैंने स्टूडेंट्स को दे दिया। एक ने बताया 18 सेंटीमीटर इस बुक की लेंथ है, इट्स ओके, 1 इज क्लियर, 8 इज डाउटफुल, मी नॉट श्योर आई प्रॉपरली। एंड देन सेकेंड ने मुझे बताया 18.4 सेंटीमीटर, इसमें 18 क्या है, accurately non-digit है और decimal point by 4 है, ये क्या है, doubtful है, maybe student इसके बारे में sure ना हो, लेकिन वो 18 पर क्या है मुकम्मल तफाक करता है। और मैंने कहा ठीक है भाई, इस ruler से possible है, इस मेरे instrument से इसकी length ये possible है भाई, ये इसने ठीक की है। लेकिन जब third ने बताया उसने तो आधी कर दी भाई, सेम रूलर से क्या है, उसने मुझे बता दी 18.425 सेंटीमीटर, तो फिर मैंने सीधा सीधा बता दिया जनाब इसमें 18 क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, इस पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन 4 क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद 4 है वो क्या है डाउटफुल है, मे बी स्टूडेंट को श्योर ना हो, सही तरह से देखा ना हो, मे बी से स्किल ना हो, लेकिन डाउटफुल क्या है। लेकिन 2 और 5 क्या है ये किसी सूरत में इस सेम रूलर से सेम मेरे इंस्ट्रूमेंट से ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर हम मेरे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लें उसकी लीस्ट काउंट ज्यादा प्रिसाइज मेरे इंस्ट्रूमेंट ले हैं, फिर हम कह सकते हैं कि उससे हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तादाद बढ़ सकती है, उसकी मजीद जो प्रिसाइज मेट है वो क्या बढ़ सकती है। तो ये स्टूडेंट्स बात है, उम्मीद है ये बात आप काफी हद तक समझ आ गई होगी। इसमें ये देखें जो मैंने बात की थी वो ये देखें, इसने यहाँ इधर इस पैराग्राफ में समराइज कर दिया कि इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट यूजिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड रिजल्ट। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया है। तो डिस्ट्रिक्ट इसमें देखें कि हम क्या कर सकते हैं कि वो और ऐसा मेरे इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं जिसकी क्वालिटी क्या हो बेहतर हो और इसका लीज काउंट क्या है उससे ज्यादा प्रिसाइज हो। यानी 110 mm है, हम कहते हैं 100 कर सकते हैं, या और बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट जो कि उसकी मेनिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी क्या है बेस्ट है, उससे हम क्या कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, यानी मेनिंग इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरिंग क्वालिटी है उसे इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस रिजल्ट में बढ़ा सकते हैं। यानी और ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसका लीस्ट काउंट क्या है उससे बेहतर है और उसकी मेनिंग उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम कह सकते हैं इस रिजल्ट के अंदर सब के सब जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे के हैं सिग्निफिकेंट है। यानी हमें सारों पर एतमाद हो जाएगा कि 18.425 सेंटीमीटर ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट है बाय यूज ऑफ एन अदर बेस्ट मेरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी उसकी मेरिंग क्वालिटी अच्छी है, उसका प्रिसाइज मेजरमेंट है, देन हम ये कह सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि सेम रूलर से एक स्टूडेंट जो है वो 18 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है, यानी 1 इसमें क्लियर है, accurately known है, 8 क्या है डाउटफुल है या श्योर नहीं है, ठीक है, इसको हम श्योर का लफ्ज नहीं है, श्योर नहीं है जी, यकीन नहीं है। दूसरा ने बताया 18.4 सेंटीमीटर, 18 accurately, यानी हमारे पहले जो स्टूडेंट है उसकी बात को थोड़ी तकलीफ मिली, हम कह देंगे कि पहले स्टूडेंट की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है। दूसरे ने बताया 18.4, तो 18 क्या है accurately known और decimal point by 4 है, that is a doubtful digit।
एंड देन थर्ड ने जब हमें बताया 18.425 सेंटीमीटर, इसमें देखें क्लियर हो गया कि ये हमारे पास का क्या है, लीस्ट काउंट एज सेम रूलर का. हाउ ही इज टेलिंग एट दस दिस अमाउंट दैट 18.425 सेंटीमीटर. सो 18 एक्यूरेटली नॉन डिजिट, 4 डाउटफुल एंड 2 and 5 दे आर नॉट इन द रेंज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो इससे बेहतर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ला के जिसकी क्वालिटी अच्छी हो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद इंक्रीज कर सकते हैं मेजर रिजल्ट में. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स इसके हवाले से ये सारा टॉपिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है. तो हमने फिर क्या इसकी डेफिनेशन जो है जो बार बार मैंने रिपीट किया उस इसी प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस पे हम ये पहुंच गए कि आपके पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द एस्टिमेटेड एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट. ये आपके पास इसको यानी हम ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रोजेक्ट को फाइनल करने के बाद इस जगह पर पहुंचेंगे. मैंने इसे हाईलाइट किया है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है आर ऑल द डिजिट्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर वो ऑल डिजिट्स हैं, वो सारे डिजिट्स हैं दैट आर नोन एक्यूरेटली. यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स वो तमाम डिजिट्स हैं जो कि एक्यूरेटली क्या है नोन है, एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट या वन डाउटफुल डिजिट या फर्स्ट डाउटफुल डिजिट. वही डेफिनेशन जो मैंने बताई है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के इसमें तमाम वो डिजिट्स जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट यानी वो हमने डाउटफुल कह देते हैं कि यानी उसका अंदाजा है, इंश्योर नहीं है लेकिन अंदाजा है या उसे डाउटफुल का मान हम लेते हैं. सो एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दीज आर कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर. तो कहते हैं जी के मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन ग्रेटर प्रिसीजन. अब ये देखें कि जब भी किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि हम पहले से बेहतर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं. यानी पहले रूलर था उसका लीस्ट काउंट क्या था, सपोज 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर था, सॉरी उसका जो मेजरमेंट था वो 1 मिलीमीटर था. यानी हमने एक रूलर से जो मेजर किया तो हमने कहा कि उसका एक डमीन जो है जो मिनिमम है वो 1 मिलीमीटर क्या करती है, मेजर करती है. यानी 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट था. अब हमने कहा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तादाद हमें बढ़ाना चाह रहे हैं यानी मोर प्रिसाइज करना चाह रहे हैं. यानी पहले 18 था फिर 18.4 हुआ एंड देन 18.425. अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को बढ़ा लें तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जिससे प्रिसीजन क्या होगी, ज्यादा होगी. पहला जो रूलर है उसका लीस्ट काउंट सपोज 1 मिलीमीटर है. नेक्स्ट हमने को और अच्छा कर लिया तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर तादाद अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं उसकी प्रिसीजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो सपोज आपके पास क्या 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर हो गया. अगर हम मजीद सिग्निफिकेंट फिगर तादाद बनाना चाहते हैं सपोज उसका लीस्ट काउंट क्या 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर हो गया या और यानी इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं. तो ये जो स्टूडेंट्स का मतलब है कि हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको जो जो यानी किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इसका मतलब कि आप उसकी प्रिसीजन जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है. यानी जो इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं दैट हैज दिस इज अ मोर प्रिसाइज एंड इट हैज मोर प्रिसीजन और उसका लीस्ट काउंट क्या है वो बेहतर होता जा रहा है. तो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है. आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या है, ये अमूमन जो है MCQs में आ जाता है, शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि नंबर कुछ लिखे हैं तो बताने हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है. तो ये चीज बतानी है. तो स्टूडेंट इसके रूल्स को देख लेते हैं. तो फर्स्ट रूल क्या है, वो आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं. नॉन जीरो डिजिट्स यानी मीन अदर देन जीरो, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. क्लियर होगी बात जी. तो इसमें देखिए नॉन जीरो में क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये सारे डिजिट्स हैं नॉन जीरो डिजिट्स हैं. ये सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे एक्सेप्ट जीरो जी, ये जीरो को छोड़कर. क्लियर होगी बात जी. तो इसके साथ साथ एग्जांपल भी ये चला ये साथ है. तो कहते हैं अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, कहते हैं डिजिट्स अदर देन द जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ये आपका पहला रूल यानी नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ये आगे बॉक्स में इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी. यानी जो रूल हमने स्टडी करना है इधर उसकी इधर क्या होगी, एग्जाम्पल होगी.
ये अच्छा होगा, एग्जाम्पल के साथ ये रूल क्लियर होगा। पहला रूल क्या है, नाजिम डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंटली। तो आप इसमें देखें, यहाँ पास ये 27 है, इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहता है इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्यों, 2 और 7 क्या ये नॉन जीरो है, लिहाजा दो एक डिजिट है, दो ही क्या है सिग्निफिकेंट है। फिर हमने क्या कर लिया, 275, कहता है इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्या है क्यों, कि 2, 7 और 5 ये 3 डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट, सो दे आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या होगी, 3 होगी। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, दैट इज जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी अगर क्या है जीरो जो है दो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, हम कहते हैं कि जीरो क्या सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा जीरो के बारे में बताऊं, कहता है इसके बारे में दो ऑप्शन है, जीरो मे भी सिग्निफिकेंट और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। आप कहते हैं सर ये बात बताएं, हम तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया है, तो जीरो के हवाले से क्या है आगे रूल्स हैं। तो जीरो का जो पहला रूल है, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी दो के सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, तो इट्स मीन दैट जीरो विल कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं, जीरो बिटवीन यानी सेकेंड रूल को डिस्कस किया जा रहा है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये देखें 2, 7, 0, 5। आप देखें इसमें जो जीरो है दो यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में रखा गया है, तो इसमें क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्यों, ये हमारे पास का रूल है। एंड देन नेक्स्ट थर्ड रूल इज फाइनल आर एंडिंग जीरो ऑन द राइट एंड द डेसिमल फ्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट, यानी आपके पास क्या है कि कोई भी जो टर्म है, कहता है फाइनल आर एंडिंग जीरो, यानी वो जीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद है राइट साइड पे, तो वो भी उसके पास वो सारे जीरो जो डेसिमल के राइट साइड पे होंगे, तो वो आप पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर होंगे। मसलन ये आप पास एग्जाम्पल दी गई है 275.00। अब ये दो जीरो जो है ये आप पास डेसिमल के राइट साइड पे हैं, एंडिंग राइट पे हैं, इसमें क्या होगा 3.25 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड पे जितने आप पास जीरो हैं वो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर हो रहे हैं, इसको कहते हैं फाइनल आर एंडिंग जीरो। इनसे हम क्या कहते हैं, ये 275.00 डेसिमल पॉइंट पर जो 00 है इसे हम क्या कहेंगे फाइनल आर एंडिंग जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। देखिए ये डेसिमल इसकी राइट साइड भी जीरो है, इन जीरो को हम कहेंगे फाइनल जीरो और एंडिंग जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, ये आप पास किस में कंसिडर होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में ही कंसिडर होंगे। 275 डेसिमल पॉइंट एंड देन 00, ये दो जीरो जो है दैट आर फाइनल जीरो और एंडिंग जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, सो दीज आर द सिग्निफिकेंट एंड इन दिस वे दिस टर्म हैज अ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट, ये रूल डियर स्टूडेंट बड़े अहम है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन नंबर इन पर डिपेंड करते हैं। एंड देन नंबर नेक्स्ट रूल दैट इज 4 रूल, जीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कहता है जीरो के इफ दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर्स, यानी आपके पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जस्ट टू प्रोवाइड अ स्पेस देन दी जीरोस आर कंसीडर्ड एज अ नॉन सिग्निफिकेंट, जीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग देन दीज आर कंसीडर्ड एज अ नॉन सिग्निफिकेंट। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पास 0.027, अब ये देखें ये स्पेसिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, ये दोनों जीरो के हैं, ये लेफ्ट साइड पे हैं और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो है ये वाला जीरो, ये जीरो जो है आप देख लें डेसिमल पॉइंट पर जो जीरो है, दैट इज फॉर स्पेसिंग पर्पस एट दिस जीरो, ये जो आप पास जीरो है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, ये आप पास लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल जो जीरो है, ये आप पास डेसिमल पॉइंट इस लेफ्ट साइड पे 0.027, ये पहला जीरो है यहाँ पर इधर स्मार है, ये आप पास डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे रिटर्न है, ये फॉर स्पेस पर्पज के लिए है, तो इस तरह का जीरो क्या होगा आप पास नॉन सिग्निफिकेंट में कंसिडर होगा। फिर होगी बात जी,
तो इसमें फिर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या होगी, दो होगी। अब इसमें दो रूल इकट्ठे यूज हो रहे हैं, एक रूल क्या है आपके पास, वो जीरो जो है डेसिमल पॉइंट से पहले लिखा हुआ है फॉर स्पेस पर्पस के लिए, और ये अगला जीरो है ये आपके पास के डेसिमल जो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है उसकी लेफ्ट साइड भी मौजूद है, तो इस वजह से भी ये क्या होगा, ये जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट में कंसिडर हो जाएगा। एंड देन इन द होल नंबर, अगर आप पास के होल नंबर हो, एक और एग्जाम्पल देख लें इसी से रिलेटेड, दैट इज 0.002070। आप इस टर्म में, इस एग्जाम्पल में देखें तो सारे रूल क्या हो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। इसमें देखें ये 2 और 7 ये आप पास के नॉन जीरो डिजिट इस वजह सिग्निफिकेंट है जी, और ये जीरो के बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर उस वजह से क्या जीरो है, और ये वाला जीरो आपके पास के डेसिमल पॉइंट के इसके राइट साइड पे है, इस वजह से क्या जीरो जो है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर हो रहा है। लेकिन आपके पास ये जो दो जीरो है यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये आप पास के डेसिमल राइट साइड की वजह से, और इस वजह से, और लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट है ये आप पास के नॉन सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो आपके पास के जस्ट स्पेस के लिए है, लिहाजा ये भी आप पास के नॉन सिग्निफिकेंट में कंसिडर होता है। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, होल नंबर्स दैट एंड इन 1 आर मोर जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी होल नंबर जिसमें 2000 है, सपोज 5000 है, 10000 है, कहते हैं इसमें जो जीरो है विदाउट डेसिमल पॉइंट है, कहते हैं इनके वाले से बताना है कि ये जीरो क्या सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते जी। दीज जीरो मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कहते हैं ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कहते हैं इसका भी क्या है, कहते हैं इन सच केसेस इट इज नॉट क्लियर विद द विच जीरो सेव टू बी सर्व टू बी लोकेट द पोजिशन, यानी इसमें क्या करना होगा आपने वैल्यू, यानी कि कौन सा जीरो है ये लोकेट करना मुश्किल होता है कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा, तो कहते हैं इसमें आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट के वाले से डिस्कस करना है जी। जैसे मैंने आपको लीस्ट काउंट पहले बताया था, अगर जिस मेरे इंस्ट्रूमेंट से आप लीस्ट काउंट मेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि ये आप पास 18.425 में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 तो क्या पॉसिबल है, और अगले दो डिजिट के हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं हो रहे, तो सेम लाइक दैट इधर भी क्या होगा, आपका 500 है तो उससे आप चेक करें कि जो उसका लीस्ट काउंट है, जो मेरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी या लीस्ट काउंट है, अगर वो उसकी रेंज से बाहर है तो वो जीरो क्या होंगे, जो उसकी रेंज से बाहर जीरो आ रहे हैं वो आपके पास के नॉन सिग्निफिकेंट में होंगे। मतलब 500 है अगर, तो इसमें क्या है 5 के बाद जो पहला जीरो है इट इज अ सिग्निफिकेंट, जो अगले दो जीरो हैं वो आपके पास के 5000 में वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इस चीज पर डिपेंड कर, अगर उसका लीज काउंट क्या है बढ़कर पहले 1 था अब या 10 था अब बढ़ के 100 हो गया, तो अगला जीरो भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट ये आपके पास के उसके हवाले से, अगर इसमें कोई चीज समझ ना आई हो वो आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ आप हमारे पास क्या एग्जांपल है, इसमें हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है, इसमें आप पहला देखें 100.8, इसमें आप पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या 4 है, एंड देन इसमें आप देखें तो यहाँ पास क्या प्रीफिक्स यूज हो रहा है जी। ये बात याद रख लें कि जितने भी नंबर हैं उसके, अब हम इसे क्या करते हैं किलो को 10^3 में लिखते हैं, तो कहते हैं बाकी अदर देन द पावर ऑफ 10 वो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अब इसमें 580 के हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और ये जो जीरो है ये नॉन, ये जितने जीरो हैं नॉन डिजिट से पहले ये सारे क्या नॉन सिग्निफिकेंट हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे बताएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या कितनी है। तो यूँ इस तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ आप देखें 210.0, इसमें आप पास के ये सारे के सारे डिजिट हैं वो क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के मौजूद हैं। तो एक्सपोनेंट में ये बात याद रख लें, साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप पास नंबर हो तो कहते हैं द डिजिट्स अदर देन द एक्सपोनेंट जी, अब 5.80 × 10^-3 है, इसमें कहते हैं 10^-3 अदर देन, यानी इसको पावर को छोड़ के एक्सपोनेंट को छोड़ के जो बाकी डिजिट हैं 5.80 इनको आपने देख कर डिसाइड करने कि आया ये जीरो है या नहीं है, तो इसमें 5.80 तीनों डिजिट के सिग्निफिकेंट है,
आपने 10^-3 को आपने छोड़ देना जी, कहते हैं अदर देन द टर्म विच कंटेन द सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन, यानी इसमें पावर ऑफ 10 इस्तेमाल हो रही है। कहते हैं पावर ऑफ 10 को छोड़ के जो बाकी डिजिट होंगे उनको आपने देखना होगा, क्योंकि ये पावर ऑफ 10 जो है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होती है। और इसके अलावा जो जो नंबर है उनको देख के हमने चेक करना होता है कि वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। तो 5.80 में जो हमने ऊपर रूल पढ़े ये तीनों के सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम कह देंगे इस टर्म में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या 3 है जी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे आप पास आ गई ये चीज आ गई, मतलब 210.0 इसको अगर हम क्या करते हैं ये पावर ऑफ 10 सूरत में लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे 10^2 को छोड़ के बाकी को चेक करेंगे 2.100 इस पे जो सबका रूल हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो आ जाएगी ये 4 हो जाएगी। यानी बाकी सबका रूल को जो ऊपर पढ़ चुके हैं उनको देखते हुए, तो इसमें अगर कोई चीज पूछनी हो पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपके पास क्या है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स है जी। राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या है, एक्चुअली जब आप अमूमन आप प्राइस कुछ चीज शॉपिंग करते हैं बाजार जाते हैं, आप शूज पे गए, शूज की शॉप पर गए, वहाँ आपके अबू ने आपके लिए शूज खरीदे, तो उन्होंने कहा कि इस जो शूज की जो प्राइस है 99.99 है, ठीक है, तो वो क्या करें 99.99 से वो क्या कर लेगा 100 आपसे 100 रुपीज क्या कर लेगा आपसे चार्ज कर लेगा। अगर आपने कोई और कोई शूज खरीदा है तो बताया गया इसकी जो प्राइस है वो 12.25 है, तो वो क्या करेगा आपसे 12 रुपीज चार्ज कर लेगा, बाकी 0.2 जो है 0.25 वो आपको छोड़ देगा। तो इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ डाटा। ये कैसे होता है ये हमने चेक करना है, राउंडिंग ऑफ डाटा या राउंडिंग द नंबर्स, तो ये हमारे पास क्या है इसमें है। यानी आप शॉप पर गए, उधर आपने कोई बिस्किट का डिब्बा खरीदा, बिस्किट का पैक खरीदा, उस पर प्राइस लिखी थी 12.75 रुपीज, तो शॉप कीपर ने आपसे कितने चार्ज कर लिए 13 रुपीज, तो आपने ऑब्जेक्शन किया कि ये इसके ऊपर जो प्राइस है वो 12.75 है और आप मुझसे क्या है या उस पर जो प्राइस है वो 12.95 है और आप मुझे 13 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हैं, आंसर मी, तो वो शॉप कीपर क्या कहेगा, भैया हमने क्या किया राउंडिंग द नंबर्स की, क्यों आप इसकी जो प्राइस है 12.95 है और उसके पास क्या 0.05 पैसा जो है वो आपको देने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा रूल बन गए कि ये 12.95 है इसको 13 में कर लो। लेकिन एक और दूसरी चीज आपने खरीदी उसकी प्राइस क्या है 10.15 है जी, उस पर जो प्राइस लिखी हुई 10.15 लिखी हुई है, तो आपने उसे पैसे दिए तो उसने क्या किया बाकी पैसे अब रिटर्न कर सिर्फ 10 रुपीज काट लिए, आगे आप 0.15 जो था वो उसने नहीं किया, आप हैरान हुए भाई यार इसकी प्राइस तो ये है 10.15 है या इसकी प्राइस क्या 10.25 है या इसकी प्राइस क्या 10.40 है, लेकिन उसने क्या किया उसकी प्राइस में से यानी 10.40 उसकी अगर प्राइस थी तो उसने 10 रुपीज प्राइस ले ली, लेकिन 0.40 जो आपके पास रुपीज थे वो आपको वापस खाली नहीं काटे जी, आप हैरान हुए। तो डी स्टूडेंट्स इससे हम क्या कहते हैं राउंडिंग द नंबर्स कहते हैं। अब इसका रूल्स क्या है पढ़ना है, राउंडिंग एक्चुअली क्या होते हैं कि वो इतनी कम वैल्यू होती है कि उसका चेंज आप वापस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, उस आसानी के लिए फिर क्या करते हैं इसे राउंडिंग द नंबर्स कहते हैं। अब ये राउंडिंग द नंबर जो है या एस्टिमेशन जो है अप डायरेक्शन में भी होते हैं, यानी आपने उसे राउंड अप उसे कहते हैं, यानी 10 पॉइंट जैसे 95 का उसको उसने 11 कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ राउंड अप। एंड राउंड डाउन में क्या है 10.25 का तो उसने 2.25 को छोड़ दिया और 10 आप क्या कर लिया कंसिडर कर लिया, दैट इज राउंड डाउन, ठीक है, राउंडिंग डाउन यानी उसने डाउन वर्ड एस्टिमेशन लगाई। तो ये स्टूडेंट ये वो चीज़ है, अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। कहते हैं इसका जो पहला रूल है इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन द 5, यानी अगर आपके पास क्या है लास्ट डिजिट क्या है लेस देन 5 है तो इसे हम सिंपली क्या कर देते हैं ड्रॉप कर देते हैं, दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द फिगर, तो ये क्या कर देता है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को डिक्रीज कर देता है।
जैसे आपके पास क्या है, वन पॉइंट एक एग्जाम्पल दे रहे, नंबर कहते हैं 1.943 है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें राउंडिंग ऑफ नंबर करना चाह रहे हैं, इसमें देखें 1.943 में जो 3 है, लास्ट डिजिट जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो आपके पास क्या 3 है, ये क्या है लेस देन 5 है, ये रूल है इसका, ये कहते हैं ये लेस देन 5 है, इसको हम ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, हमारे पास जो डिजिट है वो क्या रह जाएगा, राउंड होगा 1.94 होगा। अब देखें पहले क्या थे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 4 थे, और अब क्या है राउंड होने के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1.94 रह गए, यानी हमने क्या किया इस 3 को ड्रॉप किया है, इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं, हमने इसे राउंड किया है और 1.94 बार रह गए, यानी अगले डिजिट के सेम रह गए, क्यों ये 3 है, इट इज लेस देन 5, हमारे पास क्या 1.94 आ गया। क्लियर होगी बात, यानी राउंडिंग में एक ये फायदा है कि सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या कम हो जाती है। फिर ये पहला रूल है, यानी लास्ट डिजिट विच इज लेस देन 5 देन इट इज सिंपली ड्रॉप एंड देन उसमें सिग्निफिकेंट फिगर तादाद क्या होती है कम हो जाती है, ये आपके पास एग्जाम्पल सामने आएगी। उसके बाद दूसरा रूल कहता है इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यानी लास्ट डिजिट हमने जो क्या किया ड्रॉप किया दैट इज ग्रेटर देन 5, तो देन क्या होगा देन डिजिट ऑन द इट्स लेफ्ट, यानी उससे पहले जो डिजिट है इट विल बी इंक्रीज बाय 1, कहते हैं इट आल्सो डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी क्या कर देगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिक्रीज कर देगा। अब इसमें एग्जांपल क्या है 1.47 है, तो 1.47 देखिए अब 7 जो है इट इज ग्रेटर देन 5, अब हम क्या करें इसको डिक्रीज करेंगे, यानी इस 7 को हम ड्रॉप करेंगे, इट इज ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले जो डिजिट है डिजिट बिफोर ड्रॉप ये आपके पास 4 है, ये आपके पास पढ़ कर एक क्या होगा बट तो इससे अगला डिजिट हम देखेंगे ये क्या 3 है, ये आपके पास के ऑड नंबर है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर हो दैट इज इंक्रीज बाय 1, यानी से राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 1.4 बन जाएगा। और अगर आपके पास क्या है ड्रॉप डिजिट क्या है 5 है, इक्वल टू 5 है, तो उसे पहला डिजिट हम चेक करेंगे डिजिट बिफोर द ड्रॉप डिजिट, कहते हैं अगर वो इवन नंबर हो तो वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, इट विल रिमेन सेम, उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, दैट इज 1.4। ये डी स्टूडेंट आपके पास क्या है 4 रूल है दैट इज राउंडिंग द नंबर, यानी इसका रूल क्या है, ये आपके पास रूल है, पहला रूल क्या है अगर आपका ड्रॉप डिजिट क्या है लेस देन 5 है तो उसे डिजिट बिफोर होगा वो सेम रहेगा, यानी वो इंक्रीज नहीं होगा, और अगर आपका ड्रॉप डिजिट क्या है ग्रेटर देन 5 है तो उसे डिजिट बिफोर ड्रॉप डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया कि जनाब कि आपका ड्रॉप डिजिट क्या है वो ग्रेटर देन 5 भी नहीं है और लेस देन 5 भी नहीं है, अब क्या आ गया इक्वल टू 5 आ गया है, तो अब क्या होगा उसका तरीकाकार क्या होगा कि हमने ये चेक करना है कि जो ड्रॉप डिजिट इक्वल टू 5 है तो हम उसे डिजिट बिफोर द ड्रॉप डिजिट क्या करेंगे चेक करेंगे, अगर वो क्या हो आठ डिजिट हो यानी 3 है 7 है लाइक दैट है तो उसे हम क्या कर देंगे एक इंक्रीज कर देंगे, अगर क्या है ड्रॉप डिजिट जो है वो 5 है इक्वल टू 5 है तो डिजिट बिफोर द ड्रॉप डिजिट अगर वो क्या इवन है तो हम क्या रहेंगे उसे अनचेंज रखेंगे उसे इंक्रीज नहीं करेंगे, तो सो ये आपके पास क्या इसके रूल्स हैं। तो डी स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम जो है ख़त्म होता है, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।